आज के इस वीडियो में जानेंगे, जब आप चावल बनाते हैं घर में तो उसमें से माड़ निकलता है। माड़ यानी कि चावल का पानी। जी हाँ, ये बहुत कमाल का होता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इसको कुछ एक औषधियों के साथ जब आप मिक्स कर देते हैं तो आपके शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप चावल का पानी ले लें और उसमें छाछ मिक्स कर लें, यानी कि मट्ठा जिसे बोलते हैं वो मिक्स कर लें, तो चावल के पानी में जब आप छाछ मिला करके पियेंगे तो इससे बॉडी में आपके पानी की कमी कभी नहीं होगी। यानी कि पानी की कमी नहीं होगी तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो स्किन ग्लोइंग रहेगी, आपके शरीर से बहुत सी बीमारियां दूर रहेंगी। तो जरूर आप कभी कभी बीच में, यानी कि महीने में 2 से 3 बार छाछ में माड़ यानी कि चावल का पानी मिला करके पिया कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चावल का पानी लीजिए और उसमें नींबू का रस मिक्स कर दीजिए। क्या होगा इससे, चावल के पानी में जब आप नींबू का रस डाल करके पियेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, यानी कि पेट में गैस भी बनती है तो वो खत्म हो जाएगी। और गैस की समस्या तो लगभग लोगों को होती है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप चावल के पानी में नींबू डालिए, थोड़ा सा चाहें तो आप उसमें जीरा भी डाल सकते हैं, भुनी हुई जीरा भी डाल सकते हैं और टेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा काला नमक डाल सकते हैं और टेस्ट आ जाएगा और आपके शरीर को फायदा भी होगा। तो ये सप्ताह में एक दिन आप आसानी से ले सकते हैं। चावल हर रोज घर में बनता है, उसमें एक दिन पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए और कुकर में ना बना करके आप बनाइए ओपन पतीले में, और उसमें से चावल का पानी निकाल लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए एक, और ऊपर से काला नमक डालिए और थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दीजिए और थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, फिर उसका टेस्ट भी कमाल का हो जाएगा और आपकी सेहत के लिए फायदा भी बहुत होगा। इसके अलावा जब आप इसमें गुड़ मिला करके पियेंगे तो क्या होगा, जी हाँ, चावल के पानी में आप गुड़ का कॉम्बिनेशन बनाइए, यानी कि गुड़ मिक्स करके एक दिन ले लीजिए। इससे आपकी बॉडी में खून की कमी है तो वो दूर हो जाएगी, यानी कि एनीमिया की समस्या दूर होगी। गुड़ से आप सभी जानते हैं एनीमिया दूर भी होती है, आयरन मिल जाता है आपको और ये स्ट्रांग हो जाता है जब चावल के पानी के साथ मिलता है, तो आपकी बॉडी में ताकत बढ़ती है, खून बढ़ता है। इसलिए इसका भी आप सप्ताह में एक दिन चाहें तो सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में भी मदद करेगा। इसके अलावा ये सबसे बढ़िया फायदा ये करता है कि आपको पोल्यूशन के खतरे से भी बचा करके रखता है। अगर आप चावल के पानी में केला मिला देंगे तो सोचिए क्या होगा, चावल के पानी में केला मिला करके जब आप खाएंगे तो डायरिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी कि किसी को दस्त और उल्टी लगातार लग रहा है तो उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस माध्यम से चावल के पानी में आपको केला मैश कर देना है और इसका सेवन करना है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आइए जानते हैं, जब दही मिक्स करेंगे हम सभी अगर चावल के पानी में तो क्या होगा। चावल के पानी में जब आप दही मिला करके सेवन करेंगे तो आपके कब्जियत की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पेट साफ होने में कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि आप सुबह 4 से 5 के बीच में अगर शौच जाते हैं तो जितने अच्छे ढंग से आपका पेट क्लीन हो सकता है, वो बाद में कोई औषधि ले लो आप उतने सही ढंग से क्लीन नहीं हो सकता है। इसीलिए बेस्ट तरीका है पेट को क्लीन रखना है, कब्जियत की समस्या से बचनी है तो सुबह 4 से 5 के बीच जगिए, जितना पानी पी सकते हैं पीजिए और इसके बाद चले जाइए शौच, क्योंकि प्राण वायु उस समय आपकी आंतों में होती है, इस वजह से आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। समय जैसे बढ़ता जाता है प्राण वायु बढ़ती जाती है, ऊपर चलती चली जाती है। तो इसलिए इस संबंध में हमने पूरा एपिसोड बनाया हुआ है, वो भी जा करके देख सकते हैं, आपके लिए कमाल का एपिसोड है कि कब क्या और क्यों करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को फायदा मिले। फिलहाल आज हम सभी इस एपिसोड में फोकस कर रहे हैं चावल के पानी के साथ कुछ चीजों को मिक्स करके सेवन करने के फायदे के संबंध में। अब आइए जानते हैं, अगर आप चावल के पानी में दूध मिला लेते हैं तो क्या होगा। जी हाँ, चावल के पानी में जब आप दूध और थोड़ी सी शक्कर या फिर शहद मिला लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, इससे आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा और इससे आपके हड्डियों को मजबूती मिलेगी। चावल का पानी बहुत फायदेमंद होता है और उसमें आपने दूध मिला लिया या फिर गुड़ मिला लिया, छाछ मिला लिया, दही मिला लिया, तो इनके गुण भी
भी शामिल हो जाते हैं और आपको 100% लाभ मिलता है। और ये कोई महंगी चीज़ नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, आपको इजीली आपके घर में मिल जाएगा। जब चावल बन रहा हो, आप एक दिन उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दीजिए, चावल का पानी निकाल लीजिए, उसमें सप्ताह में एक बार छाछ मिला करके पी लिया, अगले सप्ताह आपने गुड़ मिक्स करके पी लिया, अगले सप्ताह आपने दूध मिक्स करके पी लिया। और कोशिश करें कि आप सुबह सुबह पिएं तो और अच्छी बात होगी आपके लिए, रात के बजाय सुबह पीते हैं तो और ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। औषधियों का सबसे ज़्यादा फायदा सुबह मिलता है, क्यों मिलता है इसकी वजह है, कुछ एक मामलों में शाम को किया जाता है इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल आपको कब्जियत है और दूध आपको सेवन करना है तो आपको शाम को करना है, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये सब गोल लें तो शाम को आप दूध के साथ ले लें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन कुछ एक औषधियाँ ऐसी होती हैं, खास करके इस वीडियो में जो हमने बताया, इनका सेवन सुबह सुबह करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहता है, खाली रहता है। सुबह सबसे ज़्यादा आपका पेट हजम करने लायक रहता है अच्छी चीज़ों को, और ये अच्छी चीज़ है तो जब आप इसका सेवन करेंगे आपको फायदा मिलेगा। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।